तक पहुंचे नहीं और 3-4 घंटे बाकी क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हम खाने के लिए रुके थे, खाने के लिए रुके, कहीं पीने के लिए रुके, पीने के लिए सर सर पानी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए रुके और मौसम का सफर का मजा लेते हुए जा रहे हैं हम लोग। ओके ये देखो तो फिर से रुके, हमने थोड़ा ब्रेक लिया है ट्रैवलिंग में। देखो हम लोग अभी है नासिक से कुछ 150 किलोमीटर दूर। हाँ 150 किलोमीटर दूर, ज्यादा नहीं। और पुणा से 100 किलोमीटर और पुणा से 100 किलोमीटर वही घूम रहे कब से वही घूम रहे हम लोग 50 वही घूम रहे कब से नासिक जो सफर 8 से 10 घंटे का था हम लोगों ने 12 से 13 घंटे लगाने वाले, पूरा 24 घंटे का लक्ष्य हमारा, सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं। 2000 किलोमीटर दूर एक तुमको गाड़ी दिख रहा होगा, ये देखो। ओ देखे भाई उधर रुकते हैं तो अच्छा रहता था। और अखिल सर ये खुली हवा है, प्रकृति का स्पर्श दोस्तों, ये देखो प्रकृति का स्पर्श। कुणाल की और मेरी कटिंग सेम है। हाँ ये देखो ये यहाँ से बारीक मारा है, साइड पट्टी मारा, साइड पट्टी मारी है। और ये इधर देखो इधर भी साइड पट्टी हमारी, देख इधर हो इधर हो। हाँ कल्पेश भी अभी ब्लॉग बना रहे हैं अपना खुद का स्पेशल, खुद का ब्लॉग बना रहे हैं अभी, खुद का चैनल क्रिएट करेंगे। आप इन लोग को चैलेंज करने वाला हूँ, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ससरा कीजिए आप। अरे भैया थोड़ा गलत व्यू दिख रहा है इधर। कल्पेश भाई अपना खुद का चैनल बनाने वाले अभी, क्या करना है उसको? और मैं ससरा करना, सब्सक्राइब कीजिए सब। उसमें मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। अच्छा कब से चाय पीने के लिए ढूंढ रहे थे, फाइनली हम लोग को एक अच्छा स्पॉट मिल गया है जहाँ पर हम लोग अभी चाय पिएंगे। से 30 किलोमीटर दूर है अभी भी, अभी हम लोग 30 किलोमीटर दूर है और जहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी 8 घंटा लगना था, स्टॉप ले लेके हम लोगों ने ऑलरेडी 12 घंटे लगा दिए, अभी और 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगाएंगे। चलो आइए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद। और फाइनली हम लोग पुणे आ गए, बट ट्रैफिक काफी ज्यादा है और आगे शायद किसी ने किसी को ठोक दिया है, मतलब बाइक कार वाले ने किसी 2-व्हीलर को ठोक दिया या कुछ तो भी हुआ है, ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा जाम है अभी तक हम लोग ट्रैफिक में ही है दोस्तों। और इस तरह हमारा सफर कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन इस सफर के दौरान हम लोग एक इंसान को बहुत ज्यादा मिस किया है। वो हमारे ग्रुप में थे शैलेश जायसवाल बरानपुर से, वो हमारा बहुत फेवरेट भाई है और बहुत हंसी मजाक वाला इंसान है। जिस ट्रिप में भी वो साथ में आता है वो ट्रिप हमारी बहुत धमाकेदार हो जाती है। तो गाइज हम लोग उसको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। देखो जो भी गाइज आया ना वो यहाँ से आया है। और आप लोगों को पहले सभी पता होगा जितने भी हमसे जैसे बात करते हैं ना, और आपको पता ही होगा ना जितने भी हम लोगों ने एक्ट देखे सुनो जी दिलन वगैरह सब इधर का दिमाग आया है थोड़ा, मतलब बहुत से कंसेप्ट आए तो यही है वो, थोड़ा थोड़ा आया है ज्यादा नहीं। तो आप भी चालू कर दो ऑनलाइन डांस क्लासेस जल्दी से। मैं क्लासेस के लिए बोलना सबको कि ज्वाइन करें डांस क्लास, अखिल सर का ग्लाइडर डांस क्लास। इसके बारे में अगर मैं कहना कुछ चाहूँ तो ये वही बात होगी कि मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूँ। बापरे यहाँ पे मतलब किसी को ओके बस दोस्तों बस यही सुनना था हमको, थैंक यू सो मच। बस अभी हम लोग घर पर पहुंचने ही वाले हैं और 1 महीने के बाद मैं पूजा और नायरा से मिलूंगा हम लोग भी, क्यों कुणाल? ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट भी कब हो जाएगा, ट्रैफिक इतना है ना यार, 1 घंटे से हम लोग ट्रैफिक में अटके हुए हैं। बस अभी थोड़ी देर में हम लोग नायरा से भी मिलेंगे और पूजा से भी मिलेंगे और मोंटी भी आएगा, निखिल आएगा, श्रुतिका आएगी, तो बहुत मजा आएगी अभी। और 1 महीने के बाद मिल रहे हैं, बहुत जल्दी 1 महीना हो गया, पर ये 10 मिनट ऐसे हो रहा है ना कि कब 10 मिनट जल्दी से हो जाएंगे। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए, पर थोड़ा सा दिल में एक डर बैठा है मेरे क्योंकि इन लोगों ने घर पे बताया नहीं है, सरप्राइज देने वाले है कि मैं नहीं आ रहा हूँ।
अब पता चलता है मेरे वापस जाने के बाद इन लोग खुश होते हैं या फिर मुझे सरप्राइज मिलता है कि ये लोग दुखी होते हैं। दुखी नहीं हो गया यार भैया, बस एक ही प्रॉब्लम होगा, अगर तेरा खाना नहीं बना होगा तो तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी जहाँ पे पुणे में 4 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाता है तो देखते क्या होता है क्या होता है। वो तो बन जाएगा, मैं तो मेरे हिस्से अखिल के हिस्से की मैं रोटी खा लूंगा। हाँ ठीक है। और हम लोग पहुंच गए अभी पिंपरी सासुरवाड़ी। तो अभी हम पहुंच गए भाभी के घर, देखते हैं क्या होता है, वो लोग कैसे सरप्राइज होते हैं। वो गिंग करेंगे उसके पहले पहुंच जाओ दुआ दुआ ऐसा ही क्या। अब मैं नायरा और पूजा से मिलने वाला हूँ। और ये देखिए सरप्राइज। शुभम शुभम आ जाओ भैया, सब पता था रे भाई शुभम। ये सरप्राइज था, सच में सरप्राइज मेरा पता ही होगा उसको कैसे ना कैसे। हम दोनों का शर्ट लाल नहीं था बच्चा। एक महीने के बाद नायरा मिली है पापा से, सपोर्ट कर रहे थे हमको लगा सपोर्ट कर रहे हैं भैया। देखो कौन आया है, हम जिनके गांव आए हैं, दिखाई दे रहा है। देखो ये 3 लोग चलते हुए आ रहे हैं। तेरे से बात करता हूँ मैं। चल ये निखिल भैया, श्रुतिका भाभी और हर्ष। बाय। अरे क्या जरूरत थी भाभी इसकी, क्या जरूरत थी। अरे भैया आप आए कुछ तो लेके आओ। देखो देखो मैं पैर पड़ रहा हूँ दोस्तों, पैर पड़ रहा छोटा लग रहा है तू मेरे सामने। आज से भैया आपके लिए खाना लाई हूँ मैं। हाँ क्या सिर्फ आपके लिए, आपका फेवरेट। शूट करो शूट करो, खाना लाई हूँ। ऐसा है क्या, तैयार